बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हाउ वी कैन जनरेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। नाउ लेट्स रिकॉल द मेन पॉइंट ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो फर्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? When insulator show electric field in the presence of external electric field, then the insulator is called dielectric. Okay? And we can generate the dielectric constant from Coulomb's law. So what is Coulomb's law? Coulomb's law state that the force of attraction between two oppositely charged bodies X and Y is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance r. We see that the dielectric constant of water is very high as compared to other material. Like at 18 degree centigrade, water has 80 dielectric constant value. And why water has high dielectric constant value? This is because of the strong bond between hydrogen and oxygen. Secondly, it have dipole moment. Next, we'll discuss about the importance of high dielectric constant of water. We see that many salt and many polar compound can be dissolved in water due to ionic solute. When we dissolve in water, they will cancel the water will cancel the effect of polar salt strongly, resulting the breaking of bond and remain soluble. Okay, so it means that due to the solvation it help in the solvation process of solute in water. Now student, in this lecture we will discuss about the soft and hard water and types of soft and hard water and how we can remove hardness of water. So first we discuss about soft and hard water. What is soft water? Soft water is water in which can form leather easily with soap and does not form scum with soap. This is the definition of soft water. Soft water हमारे पास वो पानी होता है, नरम पानी, जिसको हम नरम पानी कहते हैं, वो पानी होता है जो आसानी से साबुन के साथ झाग बना सके और ये आपके पास स्कम साबुन के साथ ना बना सकें। स्कम क्या होता है इसको देखते हैं। ओके, मतलब नरम पानी हमारे पास वो पानी होते हैं जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये नरम पानी ही होता है। इससे क्या होता है, हम कपड़े अगर धोते हैं तो वो भी इजीली वाश आउट कर सकते हैं, हम साबुन इससे यूज़ करते हैं तो झाग भी अच्छा बनता है। तो ऐसा वाटर जो ईजीली झाग बना सके साबुन के साथ और स्कम को प्रोड्यूस ना कर सके सोप के साथ। स्कम क्या होता है स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर आप हार्ड वाटर से या रेन वाटर से अगर आप हाथ धोते हैं तो होता क्या है, जब साबुन से हाथ धोते हैं तो वो साबुन के कुछ प्रेसिपिटेट से बन जाते हैं, मतलब आपके पास साबुन ज़ाया होता रहता है, मतलब और आपके हाथ को वॉशिंग का जो एक्शन होता है सोप का वो सही तरह यूज़ नहीं होता। तो स्कम आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट साबुन के साथ प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम कहते हैं स्कम। ओके, जब आप हार्ड वाटर से साबुन के साथ हाथ धोते हैं या कुछ भी कपड़े धोते हैं तो अक्सर कपड़ों के ऊपर वाइट से निशान वगैरह आ जाते हैं, तो वो भी ड्यू टू स्कम प्रोड्यूस होते हैं। स्कम स्टूडेंट होता है अ वाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन सोप रिएक्ट विथ कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन वाटर। जो हार्ड वाटर होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर कैल्शियम के आयन होते हैं। कैल्शियम के आयन आपके सोप के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो वाइट से प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है, वाइट से सब्सटेंस बना लेते हैं जो आपके कपड़ों के ऊपर रहते हैं या आपके हाथों के ऊपर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कम। ओके, सो दिस इज दिस डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट वाटर। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? The water which can easily form leather with soap and do not form scum with soap is called soft water. Okay? अगर इसी definition को हम
इन्वर्स करें तो हमारे पास हार्ड वाटर की डिफिनीशन बन जाएगी. ओके, तो हार्ड वाटर आर दोज वाटर विच प्रोड्यूस लिटल लेदर एंड फॉर्म स्कम विथ सोप. ऐसा वाटर जो आपके पास कम जाग बनाए साबुन के साथ और आपके साथ आपके पास कम को प्रोड्यूस करे जब साबुन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं. मतलब अगर आप हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो उसमें होगा क्या कि जाग सही तरह नहीं बनेगा और सेकेंडली आपके पास स्कम की फॉर्मेशन होगी. ओके, सेकंड, हार्ड वाटर से जो डर्ट वगैरह होते हैं, मैल वगैरह जो कपड़ों के साथ लगा होते हैं, वो भी इजीली साफ नहीं होता. ओके, डर्ट कैन नॉट रिमूव रेडिली विथ रेडिली. ओके, इसके अलावा आपके सोप को ये वेस्ट करते हैं, आपके साबुन को ज़ाया करते हैं. ओके, ड्यू टू दिस क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप इज़ इफेक्टेड. ओके, होता क्या है, जो साबुन की जो क्लीनिंग एक्शन होती है वो इससे मुतासिर हो जाती है. तो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ हार्ड वाटर. बहरहाल डिफिनीशन जैसी है कि लाइन आप याद रखनी है कि ऐसा वाटर जो आपके पास लिटल लेदर बनाए और स्कम की प्रोडक्शन करवाए सोप के साथ, उस वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर. ओके, दीज आर सम रिमेनिंग पॉइंट के हार्ड वाटर कैन नॉट रिमूव डर्ट, दे कैन वेस्ट सोप, दे कैन इफेक्ट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हम बार बार अभी कह रहे हैं कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, ये हार्डनेस होती क्यों है या किस वजह से होती है. ओके, सो नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर. सॉफ्ट वाटर को हमने अभी नहीं पढ़ना, जस्ट हार्ड वाटर को डिटेल से देखेंगे. ओके, हार्ड वाटर की डिफिनेशन कर ली, अब देखते हैं हार्ड वाटर होता क्यों है, किस वजह से वाटर हार्ड बनता है. ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट. ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी साल्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट. ओके, दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट आर गिवन बिलो, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस. क्लियर, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, ये भी आपके पास साल्ट है, इसको अक्सर हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं. ओके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम SO4 जहाँ भी आ जाए तो उसको सल्फेट पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. दीज आर दो साल्ट विच कैन काज हार्डनेस ऑफ वाटर. इसको आपने याद रखने, याद करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ. आपने कैल्शियम और कैल्शियम के साथ कार्बोनेट करने, मैग्नीशियम के साथ भी कार्बोनेट, फिर इसके सल्फेट करवा दें और फिर इनके क्लोराइड करवा दें. दो एलिमेंट को पकड़ें, पहले दोनों के कार्बोनेट लगा दें, फिर दोनों के सल्फेट लगा दें और फिर दोनों के क्लोराइड लगा दें. देखें, पहले दोनों के कार्बोनेट लगाए हुए हैं, फिर सल्फेट लगाए हुए हैं और फिर क्लोराइड लगाए हुए हैं, तो ये आपके पास 6 साल्ट आ जाते हैं जिससे आपके पास हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हार्डनेस ऑफ वाटर एक्चुअल में हमारे एटमोसफेयर में या हमारे ग्राउंड लेवल पर या किस तरह, इसका मेकनिज़म क्या होता है, कैसे वाटर हार्ड हो जाते हैं, ये साल्ट कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसको देखते हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके, कि वो कौन सा तरीका है जिससे हमारे पास सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में क्रिएट होता है. ओके, सो इसको मैंने टू पॉइंट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है. पहला, दो तरीके से होता है. ओके, मैकेनिज्म इसके दो तरह के हैं. पहला देख लेते हैं, जैसा कि द रेन वाटर ऑन ग्राउंड डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर. आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि सी वाटर होता है या ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है. ओके, तो जब कभी भी आपके पास रेन वाटर ज़मीन के सरफेस के ऊपर फ्लो करता है तो उस वक्त एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं. ओके, जब रेन वाटर जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है,
फिर वाटर विच कॉन्टेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम ग्राउंड, और वही वाटर जिसने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व किया वो जब ज़मीन के ऊपर फ्लो करता है, ऐसी ज़मीन के ऊपर अगर वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या क्लोराइड हो या सल्फेट हो, वो साल्ट ज़मीन से उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? ऐसा वाटर, वही वाटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से डिजॉल्व हुआ होता है, वो जब आपके पास ग्राउंड के ऊपर फ्लो करते हैं तो ग्राउंड से कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। थर्ड, यही कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट उस रेन वाटर के अंदर फिर रिएक्ट होकर आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करवाते हैं। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड विच आर फाउंड इन रेन वाटर व्हेन रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो पहला इजी मेथड तीन स्टेप में मैंने डिवाइड किया हुआ है कि जब कभी भी आपके पास रेन वाटर ग्राउंड के ऊपर फ्लो करते तो एटमॉस्फेयर से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है, आफ्टर दैट ज़मीन के सरफेस से उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट आपस में कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करवाते हैं। इसको केमिकल रिएक्शन से किस तरह लिखेंगे देखते हैं। देखें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं ज़मीन के अंदर। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एटमॉस्फेयर से वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया। ओके, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड व्हेन दिस वाटर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो फ्रॉम सच सॉइल विच कॉन्टेन कैल्शियम कार्बोनेट देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन दिस वाटर रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अगर आपके पास मैग्नीशियम, अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है यही मैग्नीशियम कार्बोनेट के सॉइल के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करवा देगा जो कि आपके पास पानी के अंदर सोलेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ड्यू टू विच हार्डनेस टेक प्लेस। नाउ सेकंड मेथड इज दैट जब कभी भी आपके पास वाटर फ्लो करता है ज़मीन के ऊपर, ओके, व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम अर्थ सरफेस इट कैन आल्सो डिजॉल्व कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। ज़मीन के ऊपर जब भी रेन वाटर फ्लो करते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जब जाता है तो ज़मीन के अंडरग्राउंड जब वो जाता है तो अपने साथ ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड इनको भी डिजॉल्व करके हमारे अंडरग्राउंड वाटर तक चला जाता है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अगर हम कुएं से भी पानी निकालते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वो साल्ट कहाँ से आते हैं? वो साल्ट इस मेथड से आते हैं। क्लियर? तो मैकेनिज्म मैंने बता दिया, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वाटर के अंदर रिएक्ट हो जाए और फिर कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक्स वगैरह के साथ रिएक्ट हो जाए तो इसकी फॉर्मेशन होती है। दूसरा, डायरेक्टली ये सॉइल से वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी तक हमने सॉफ्ट वाटर को डिफाइन किया, देन हार्ड वाटर को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने हार्डनेस के जो साल्ट थे वो बता दिए कि 6 किस्म के साल्ट होते हैं, ये हार्डनेस को क्रिएट करवाते हैं। और उसके बाद मैंने मैकेनिज्म बता दिए कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास हार्डनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, हार्डनेस कितने किस्म की होती है और या टाइप्स ऑफ हार्डनेस हम इसको कह सकते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, हार्डनेस दो किस्म की होती है, एक को कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस या टेम्पररी हार्ड वाटर, सेकंड वन इज परमानेंट हार्ड वाटर। ये नाम इसलिए गिवन है, टेम्पररी हार्ड वाटर मोस्टली वो हार्ड वाटर होते हैं जिसको आप बाय बॉयलिंग इजीली सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्ड वाटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बाय बॉयलिंग यू कैन नॉट
you cannot convert into soft water. So that's why it is called permanent hard water. Okay. However, these can also be converted into hard water by chemical method. Okay. Now first define karte hain temporary hard water. By definition, the temporary hard water is due to dissolved calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. Okay. याद रखिएगा हार्डनेस परमानेंट और टेम्पररी में डिफरेंस उनके साल्ट की बेस पे है. किसकी बेस पे? साल्ट की बेस पे. अगर आपके पास आपके वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो इन साल्ट से जो हार्डनेस क्रिएट होती है उसको बोलते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर. और रिमेनिंग साल्ट हमारे पास रह जाते हैं सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड, तो उनसे हमारे पास परमानेंट हार्डनेस क्रिएट होती है. इस बात को याद रखिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्व साल्ट इन वाटर देयर आर बेसिकली टू टाइप्स. इफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर डिजॉल्व देन द वाटर इज टेम्पररी हार्ड वाटर, एंड इफ देयर क्लोराइड एंड सल्फेट आर डिजॉल्व देन दैट वाटर इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर. ओके. नो बाय डेफिनेशन द टेम्पररी हार्ड वाटर इज ड्यू टू द डिजॉल्व साल्ट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. इसको याद रखिएगा कार्बोनेट की साल्ट कैल्शियम के कार्बोनेट या मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस क्रिएट होती है इसको बोलते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर. ओके. टेम्पररी हार्ड वाटर का जो पहला मैकेनिज्म था कि किस तरह क्रिएट होते वो तो मैंने बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिएक्ट होके हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं. ये तो हमारे पास बन गया था. अब ये जो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं ये वाटर के अंदर इस सॉलिड फॉर्म में नहीं होते. अच्छा, ये वाटर के अंदर एक क्यों इसके नीचे लिखा हुआ है, इट्स मीन दैट वाटर के अंदर ये सोलेबल होते हैं. ओके. दीज सॉल्ट आर सोलेबल इन वाटर एंड प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. ओके. दीज आर नॉट प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, दीज आर प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ आयन्स. ओके. बिकॉज दीज कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैन डिजॉल्व इन वाटर. ओके. ये आपके पास वाटर के अंदर इस फॉर्म में रहते हैं, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की फॉर्म में रहते हैं और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके. व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सल्फेट एंड क्लोराइड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. हमारे पास मैंने कहा था कार्बोनेट की वजह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट होती है, जबकि क्लोराइड और सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम से हमारे पास परमानेंट हार्डनेस क्रिएट होती है. ओके. The permanent hardness of water is due to presence of chloride and sulfate of calcium and magnesium. Magnesium और chloride के sulfate कैसे होते हैं? Like this one, calcium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate. इन चार किस्म के salt से जो hardness create होती है उसको बोलते हैं permanent hardness. Okay? बस ये चार ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, इसको याद रखने. नेक्स्ट, इसी तरह ये साल्ट भी जो हैं आपके वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके. दीज साल्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन वाटर इन अ फॉर्म ऑफ आयन. ओके. लाइक दिस वन, कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर कैल्शियम और क्लोराइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. इसी तरह मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. इसी तरह सल्फेट अगर होगा तो कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन की फॉर्म में पानी के अंदर प्रेजेंट होगा. इसके सब के नीचे AQ लिखा हो, इट्स मीन दैट दीज आयन आर प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. ओके. इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. सो बाय सिंपल अगर मैं बताऊं, जितने भी ये साल्ट पानी के अंदर होंगे ये आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इस तरह सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे. इसको परमानेंट हार्डनेस बोलते क्यों हैं? ओके. एक टेम्पररी और परमानेंट.
परमानेंट इसको इसलिए बोलते हैं कि सिंपली अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो बॉयलिंग से ये सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि टेम्पररी हार्ड वाटर क्या होता है, टेम्पररी हार्ड वाटर आर दोज वाटर विच यू कैन ईजीली कन्वर्टेड इंटू सॉफ्ट वाटर बाय सिंपल बॉयलिंग. ओके, वाइल परमानेंट वाटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय बॉयलिंग इंटू सॉफ्ट वाटर. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस. नाउ स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही. चलिए मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने सबसे पहले बात की सॉफ्ट वाटर के बारे में, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड वाटर. बाय डिफिनेशन सॉफ्ट वाटर इज वाटर विच फॉर्म लेदर इजीली विद सोप एंड डज नॉट फॉर्म स्कम विद सोप. ऑन द अदर हैंड हार्ड वाटर आर दोज वाटर विच प्रोड्यूस लिटिल लेदर एंड फॉर्म स्कम विद सोप. हार्ड वाटर कैन नॉट रिमूव डर्ट इजीली एंड द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप बिकम affected due to hard water. Now third, causes of hardness of water. There are basically six type of salt which become the causes of hardness of water. These salt are calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride. Fourth one, mechanism of hardness of water. There are basically two types of mechanism of hardness of water. First one, when rain water on ground dissolve carbon dioxide from atmosphere, when these water flow through calcium carbonate rocks, they can dissolve calcium carbonate from that ground, and when these calcium carbonate react with carbon dioxide, they form calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate. Next we discuss about the types of hardness. There are basically two types of hardness. First one is temporary hardness of water. Second one is permanent hardness of water. First one, temporary hardness of water. The temporary hardness of water is due to the dissolved calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, and these salts are soluble in water and present in a form of positive and negative ion in water. Next, point number 7, permanent hardness of water. The permanent hardness of water is due to the presence of chloride and sulfate of calcium and magnesium, and these salts are also soluble in water and produces ion. And the last main point is the main difference between temporary and permanent hardness is that temporary hardness of water can easily converted into soft water by simple boiling, while permanent hard water cannot be easily converted by simple boiling. Okay, so this is the main points of today lecture. Student, this topic is very very important for your board exam. Types of hardness, temporary and permanent hardness of water, aksar aapke long question ke andar aapke board exam mein aata hai. नाउ कम टू दी होमवर्क. स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने ऑल लेक्चर को अपनी वर्कशीट के ऊपर लिखना है. तो इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स, अल्लाह हाफिज़.